तो आज बनाएंगे एकदम डिफरेंट एंड यूनिक रेसिपी जिसको आपने पहले कभी भी नहीं देखा होगा, ट्राई नहीं किया होगा। बहुत ही कमाल का टेस्ट है, मज़े आने की फुल गारंटी है, तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर से देखें। तो स्टार्ट कर लेते हैं। यहाँ पर हमने दूध रखा है 1.5 लीटर गर्म होने के लिए, बीच बीच में इसको चलाते रहेंगे, बढ़िया सा दूध गर्म होने लग जाएगा। तो यहाँ पर हमने ऑरिगेनो चिली फ्लेक्स डाल दिए हैं, इसके साथ हमने थोड़ा सा पेरी पेरी मसाला भी डाला है, धनिया की पत्ती धो के साफ़ करके डाल दी है काट के, हरी मिर्ची के बीज निकाल के डाले हैं, नमक स्वाद के अनुसार डालेंगे। एक कटोरी में हमने पानी लिया, इसके साथ विनेगर डालेंगे और इसको अच्छे से हमने मिक्स कर लेना है। तो दूध में थोड़ा थोड़ा डालते जाएंगे, एकदम से नहीं डालेंगे, नहीं तो जो पनीर है बढ़िया नहीं बनेगा। थोड़ा डालेंगे, फिर से चलाएंगे, ऐसे हमने प्रोसेस को करते जाना है जब तक पनीर बन के रेडी नहीं हो जाता। तो आप देख सकते हो पानी एकदम से अलग हो चुका है और बहुत ही कमाल का फ्लेवरफुल पनीर बन के रेडी है। 10 मिनट रेस्ट के लिए रखेंगे, एकदम से इसको नहीं छानेंगे, तो तभी बढ़िया पनीर आपको मिल पाएगा। एक बड़े से बर्तन पे हमने कपड़ा रख दिया है मलमल का, उसके ऊपर सारा पनीर हमने डाल दिया है, जिससे क्या होगा जो इसका एक्स्ट्रा पानी है वो नीचे निकल जाएगा और पनीर बहुत ही बढ़िया सा हमें मिल जाएगा। कपड़े में अच्छे से टाइट बांध के कोई भी हैवी चीज़ इसके ऊपर हमने रख देनी है, अच्छे से दबा देंगे एकदम से, जिससे क्या होगा एक्स्ट्रा पानी है वो सारा निकल जाएगा। तो हमने इसको अच्छे से वेट ऊपर रख दिया, 30 मिनट के लिए रेस्ट के लिए रखेंगे, बढ़िया सा पनीर एकदम सेट हो जाएगा। तो आप देख सकते हो कितना बढ़िया कलरफुल पनीर बन के रेडी हो चुका है, एकदम बढ़िया। चाहो तो आप इसको ऐसे ही एज ए स्नैक पनीर को खा सकते हैं। तो हम इसको कट कर रहे हैं, तो कट करने के स्टाइल से आपको पता चल रहा होगा कि सुपर सॉफ्ट होममेड पनीर बनके रेडी है, एकदम बढ़िया फ्लेवरफुल पनीर है। तो इस रेसिपी को ट्राई ज़रूर से करके देखें। तो छोटे छोटे पीसेस में हमने इसको कट कर लिया है, तो हम इसकी सॉफ्टनेस भी आपको दिखा देते हैं कि कितना सुपर सॉफ्ट ये पनीर बन के रेडी हुआ है। तो थोड़े से काजू ले लिए हमने, तो एकदम बढ़िया वाला गर्म पानी इसमें डालेंगे और भिगो कर रख देंगे। तो यहाँ पर हमने थोड़े खड़े मसाले लिए हैं, स्क्रीन पर सारा शो हो रहा है, सेम अपने ऐसे ही मसाले ले लेने हैं। उसको आपने 2 से 3 मिनट के लिए ड्राई रोस्ट करना है, ध्यान रखेंगे कि बर्न ना हो। तो दरदरा सा हमने इसको मिक्सी में चला लिया है, पैन में ऑयल लिया है और बटर भी लिया है, एक प्याज को हमने पेस्ट कर लिया है और इसमें हमने इसको भूनना है, जिंजर गार्लिक पेस्ट भी डाला है, कच्चापन निकल जाए तब तक हमने इसको भूनना है, कलर बहुत ज़्यादा डार्क नहीं करना है। तो साबुत वाली काली मिर्ची ली है, क्रश करके डालेंगे, पाउडर ना डालें, ग्रेवी का कलर काला हो सकता है। मलाई ली है यहाँ पर हमने, और इसमें हमने दही मिक्स कर दिया है, जिससे क्या होगा टेस्ट बहुत बढ़िया आएगा, तो जो टेंशन होती है ना कि दही फट जाता है वो भी नहीं रहेगी। काजू का पेस्ट भी हमने डाल दिया है इसमें जो बना लिया था, स्पाइस मिक्स था वो भी स्टेज पर डालेंगे, जो दही और मलाई का मिक्स था वो भी डाल दिया है। जो फ्रेश स्पाइस मिक्स होता है ना उसका फ्लेवर डिफरेंट ही आता है। ग्रेवी को एडजस्ट करने के लिए हमने गर्म पानी डाला है, 2 से 3 मिनट कवर करके पका लेंगे। थोड़ी सी वेजेस ली है, शिमला मिर्च, प्याज, टमाटर, अदरक के लच्छे हैं और हरी मिर्ची लंबी लंबी काट ली है। तो इसको थोड़ा सा ही हमने चलाना है, क्रंच बना रहे, स्विच ऑफ द फ्लेम नाउ, क्योंकि हमने इसको बहुत ज़्यादा नहीं पकाना है। उधर हमारी ग्रेवी बढ़िया रेडी है, पनीर हमने इसमें डाल दिया है, तो कवर करके सिर्फ 1 मिनट के लिए हमने इसको चलाना है, कुक करना है। तो यहाँ पर जो हमने सब्जियाँ एकदम क्रंच के साथ कुक करके रखी थी वो भी डाल के थोड़ा सा कवर करके इसको हम कुक कर लेंगे। लास्ट में हमने कसूरी मेथी डाल दी है, मिक्स करेंगे, बहुत ही कमाल की फ्लेवरफुल वेजिटेबल बन के रेडी है। तो इस रेसिपी को मेरे कहने पे एक बार ज़रूर से ट्राई करके देखिए, आपको डिफरेंस ज़रूर से फील होगा। एकदम रिच फ्लेवर है, क्रीमी टेक्सचर के साथ ये वाली सब्ज़ी बन के रेडी होती है। पूरी, परांठा, नान के साथ खाएं, मज़े आने की फुल गारंटी है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर एंड बाय बाय।